नमस्कार। सड़क हादसे में कार की टक्कर से बाइक सवार तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत। बता दें कि भरतपुर जिले के रूपबास थाना क्षेत्र के निवासी 35 वर्ष से भांगचंद और 28 वर्ष से चंदन और 24 वर्ष से राम प्रकाश तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में रूपबास से पाऊ गए हुए थे। वही देर शाम सिपाऊ से वापस घर लौट रहे थे। अचानक खैरगढ़ पर सामने से आ रही एक कार ने बाइक सवार तीनों दोस्तों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि खेत में काम कर रहे लोगों को आवाज सुनाई दी। कार में फंसे तीनों युवकों के प्रखच्चे उड़ गए और तीनों युवकों को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार छोड़कर मौके से भाग निकला। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों की पहचान की। युवकों को खैरगढ़ अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया और परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। तीनों युवकों की मौत की खबर पहुंचने पर नानकपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि तीनों मृतक युवक मजदूरी का काम करते थे। भांगचंद के तीन बच्चे हैं और चंदन सिंह का भी एक बेटा है। राम प्रकाश की 4 मई को शादी होनी थी। शादी होने से पहले ही राम प्रकाश ने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कृपया गाड़ियां चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। गाड़ियां ओवर स्पीड में ना चलाएं और ना ही ओवर लोडिंग लेकर चले। ड्राइव सेव लाइफ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। और आप सभी का इस घटना के बारे में क्या राय, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।